हेलो गाइस, आज हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो ये हमारा 6th लेक्चर है। एंड अगर आपने हमारे अर्लियर लेक्चर्स नहीं देखे देन आई रिकमेंड यू टू गो बैक अ प्रीवियस लेक्चर्स एंड वॉच इट, बिकॉज इस ये इंटरलिंक्ड है आज वाले लेक्चर से। ठीक है, तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन इंडिया ये कैसे था, तो बुद्धिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो उनकी लाइफ सिंबल्स, उनके टेल्स, स्टोरीज, उनके बारे में ही बताया गया है इनमें। ठीक है, और अशोका जो मौर्यन किंग था उसके टाइम पे बुद्धिस्ट से रिलेटेड जितने भी वो थी, केव्स वगैरह थी, उनकी स्टोरीज़ को प्रोपगेट किया, उनके जो मीन्स स्तूपास बनाए गए वो इनके टाइम में ही बनाए गए। ठीक है, अशोका के टाइम पीरियड में ज़्यादा बने। और 3 की एलिमेंट्स जो हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की, वो 3 यही हैं, स्तूपा, चैत्यस एंड विहारस। चैत्यस एंड विहारस के बारे में हमने चैप्टर 1 में आई थिंक डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से एक बारी पढ़ सकते हैं, लेकिन आज भी आपको ओवरव्यू मिलेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो मौर्यन रूलर के टाइम पे पिलर्स वगैरह जो कि बुद्धा से रिलेटेड थे, उनकी लाइफ से रिलेटेड थे, वो बनाए गए। ठीक है, टाइप्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है उनमें यही 3-4 बातें हैं कि स्तूपाज, विहारस क्या था जहाँ पे वो रहते थे, चैत्यस क्या था प्रेयर करने वाला उनका जो प्लेस थी वो, और स्तंभास थे जो पिलर्स के ऊपर भी बुद्धिस्ट जो लाइफ है वही दर्शाई गई। ठीक है, अब एक एक करके इन्हें देख लेते हैं, स्तूपास, विहारा, चैत्यस और स्तंभास को। तो स्तूपास क्या होते हैं ये पहले हमने बात नहीं की, तो इसे ध्यान से देखना। तो स्तूपास क्या है, पहली बात तो ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आते हैं, और स्तूपा एक डोम शेप सेक्रेट ब्यूरल माउंट ऑफ ब्रिक्स है, और ये यूज़ किया जाता था कि बुद्धा के रेलिक्स और उनके जो फैक्ट्स है बुद्धा से रिलेटेड, उससे ये रिलेटेड था। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा, 4th सेंचुरी BCE में ये जो है ज़्यादा बने स्तूपास, और कहाँ पर आपको मिलेंगे ये, सांची, सारनाथ, अमरावती, बारह हट में ये आपको ज़्यादा मिलेंगे स्तूपास। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इनके, फिर आगे जाके इसकी पिक्चर भी आएगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, माउंट्स ऑफ अर्थ आर टेकन टू फॉर्म द कोर ऑफ द स्तूपा एंड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है इसमें, और स्टोन्स से इसे कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये एक ना हेमिस्फेरिकल डोम होता है जो कि रेस्ड होता है, ऊपर उभरा हुआ बनाया जाता है, स्टोन एंड ब्रिक्स से बनाया जाता था। ठीक है, और इसे डोम को ये जो है ना आंधा भी बोलते थे। ठीक है, और लेटर ईयर्स में क्या हुआ, ड्रम ऑफ स्तूपा जो है वो एलोंगेटेड होता गया, और जहाँ ये डोम था वो डोम ने ना सिलेंड्रिकल वेसल की शेप ले ली। आगे जाके आपको पिक्चर से ज़्यादा क्लियर होगा, तो अभी आप ध्यान रखिए, पहले ये हेमिस्फेरिकल डोम बनाया जाता था। ठीक है, और उसके बाद इसने धीरे धीरे इलोंगेटेड बनाने लग गए ये, और फिर स्तूपा को, और फिर ये सिलेंड्रिकल वेसल के टाइप में बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हर्मिका ऐसी जगह जहाँ रेलिंग के पास वो ऐसे सराउंड करते थे, रेलिंग के पास सराउंड करते थे वो, उसे क्या कहते हैं, हर्मिका। ठीक है, और स्तूपा जो था वो वेदिका से एनक्लोज्ड था। अभी सभी टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होंगी पिक्चर में, तो आपको ये बस अभी लर्न करनी है। ठीक है, ये चीज़ें, दिस इज़ ओनली द पार्ट ऑफ द रोट लर्निंग, आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। एट बारहुट, सांची एंड अमरावती द वेदिका कंसिस्टिंग ऑफ अपराइट पिलर्स विथ 3 ट्रांसवर्स बार नोन एज सूची। ठीक है, उसके बाद इसके 4 गेटवेज भी होते हैं, और गेटवेज को जो चारों तरफ होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, टोरानास। ठीक है, अब पिक्चर में देख लीजिए एक बार ये क्या क्या है। तो आप देखिए, हर्मिका ऊपर देखिए, डोम के ऊपर जो स्क्वायर के फॉर्म में है उसे हर्मिका कहते हैं, छत्रा जो सबसे ऊपर है। ठीक है, और प्रदर्शिना पाथ जो कि बीच में, जहाँ ये मतलब पहले ये देखिए,
वेदिका क्या है? वेदिका है कि अंदर वाला डोम जो है वो बाहर एक रेलिंग से कवर किया हुआ है। अब आपको, अगर आपको हिंदी में भी समझ आ जाता है तो आप अपनी लैंग्वेज में इसे डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। तो वेदिका क्या है? डोम को चारों तरफ से कवरिंग किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो रानास क्या है? देखिए, ये गेटवेज को कहते हैं, और आप देख सकते हैं चार गेटवेज है, 1, 2, 3, 4। तो ये क्या है? ये है टोराना। और वेदिका क्या है? डोम को, ये डोम है हमारा, उसे चारों तरफ से कवर किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद प्रदक्षिणा पाथ क्या है? जो कि वर्दिका और मेधी, मेधी अंदर वाला जो एन सर्कल किया हुआ है वो है, और उसके बीच में जहाँ ये घूमते थे उसे कहते हैं प्रदक्षिणा पाथ, ठीक है। हर्मिका आपको मैंने बता दिया, जो डोम के ऊपर बना होता था स्क्वायर की फॉर्म में वो, और छत्रा जो ऊपर बना होता था वो। अब आपको आई थिंक सारी जो डेफिनेशंस थी वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेट स्तूपा, ये कहाँ पर है? सांची, एट सांची मध्य प्रदेश, ठीक है। पहले तो ये भी पता होना चाहिए ग्रेट स्तूपा कहाँ पर है, ठीक है। सांची मध्य प्रदेश में, ये बर्नट ब्रिक से बना है और मड मोर्टर से, ठीक है। अशोका ने बनवाया था जो कि मौर्यन एम्पायर में और 2nd सेंचुरी BC में, और पहले ये बनवाया था लेकिन डैमेज हो गया था, लेकिन बाद में रिकंस्ट्रक्ट करवाया था सुंगाज ने, ठीक है। उसके बाद ग्रेट स्तूपा जो है वो भी सेम हेमिस्फेरिकल डोम ही है। ये क्यों बताया गया है? क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ये डोम हेमिस्फेरिकल बनते थे लेकिन बाद में जाके ये सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेते थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ग्रेट स्तूपा जो है वो लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम ही है, फ्लैट है थोड़ा सा ऊपर से टॉप से, ठीक है। और छत्रा जैसे बताया था कि वो स्क्वेयर के ऊपर, हर्मिका के ऊपर जो छत्रा लगा होता है वो भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये है ग्रेट स्तूपा सांची का, बिल्कुल सेम वैसा ही है ना जैसे हमने वो स्केच डायग्राम में देखा था। ये जो हमारे पास इसमें भी छोटा छोटा लिखा हुआ है पर आपको क्लियर नहीं होगा, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जो हमने ऊपर अभी पिक्चर देखी थी ये भी बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। उसके बाद तो रानस के, तो रानस भी इसमें है, चार ही होते हैं, चार गेटवेज, ठीक है। और इसके जो जो भी इस पे लिखा हुआ है ना, लिखा नहीं मतलब कि जो कार्व किया हुआ है वो बुद्धा और जाताकस के बारे में, मतलब बुद्धा की लाइफ के बारे में ही इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है। उसके बाद आता है धामिक स्तूपा जो कि सारनाथ में है उत्तर प्रदेश में, और ये अशोका ने बनवाया था लेकिन बाद में जाके रिबिल्ट करवाया था, गुप्ता पीरियड के टाइम में रिबिल्ट हुआ था, और बुद्धा की ज़्यादा अच्छी मतलब एक्टिविटीज़ को दर्शाने के लिए थोड़ा सा इसमें वो किया गया था, ठीक है, चेंजेस किए गए थे। और ये धामिक स्तूपा का इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पर जो बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था अपने 5 फर्स्ट जो डिसाइपल्स ब्राह्मण्स थे उनको, जब उन्हें एनलाइटनमेंट, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद फर्स्ट 5 ब्राह्मण जो उनके डिसाइपल थे उनको उन्होंने वहाँ पे सरमन दिया था, रिवीलिंग हिज 8-फोल्ड पाथ लीडिंग टू निर्वाणा, ठीक है। अब इन इट्स करंट शेप द स्तूपा इज सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। अच्छा, जो हमने ऊपर ग्रेट स्तूपा किया था वो मैंने बताया ना कि हेमिस्फेरिकल में था, अब ये धामक स्तूपा है ना जो ये जो सारनाथ में है यूपी में, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेता है। अभी दिखाती हूँ कैसा बन जाएगा ये। और इसमें जो है द स्टोन बेसमेंट हैज़ 8 प्रोटेक्टिंग फेसेस विद निच इन दैम डेली डेलिकेटली कार्व विद अ ब्यूटिफुल फॉरेन ज्योमेट्रिकल पैटर्न। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन पुट इन द गुप्ता पीरियड, मीन से गुप्ता पीरियड में सिलेंड्रिकल बन जाता है। ये देखिए, ये हेमिस्फेरिकल डॉम तो नहीं है ना, ये एक सिलेंडर की फॉर्म में ऊपर बन गया है, तो ये गुप्ता पीरियड में फिर ये ऐसे बनने लग गए, ठीक है। सारनाथ स्तूपा ही है ये, ठीक है। उसके बाद आता है भारहुड स्तूपा, भारत स्तूपा जो है वो भी अशोका ने ही बनवाया था। मैंने बताया कि अशोका के टाइम पीरियड पे बहुत सारे इसने बनवाए थे, ठीक है, 3rd सेंचुरी BCE में, और जो वर्क है वो ऑलरेडी मैंने बताया कि बुद्धस के ऊपर ही था, और गेटवे रेलिंग्स वगैरह सब थी इसमें, और बाद में सुंगा जो डायनेस्टी आई पीरियड
सेकेंड सेंचुरी से ही में उसने भी थोड़े से इसमें एडिशन की, ठीक है। लार्जली डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है, लेकिन उसके रिमेन्स अब आज भी पाए जाते हैं, रेलिंग्स वगैरह, एंट्रेंस वगैरह अच्छे से देखने को मिलती हैं। सेंट्रल स्तूपा जो होता है वो सराउंड किया जाता है स्टोन रेलिंग से, और चार टोरानास मतलब गेटवेज बनाए जाते हैं, जैसे सांची में नहीं दिखाया था बिल्कुल सेम वैसे ही, ठीक है। और रेलिंग ऑफ स्तूपा जो है वो कार्व्ड किए जाते हैं याशिका और याशकुनिन्स की इमेजेस से। ये क्या होते थे, ये डेमी गॉड एंड गॉडेसेस होते थे, ठीक है। अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यक्षास एंड याक्षिनीस क्या होते थे। वैसे डेमी गॉड एंड गॉडेस तो मैंने बता दिया, लेकिन अच्छी तरह से आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पिलर्स एट बारहुट आल्सो डिपिक्ट द जताका स्टोरीज, वही बुद्धा की प्रीवियस लाइफ के बारे में भी या इस स्तूपा में बताया गया। अमरावती स्तूपा के बारे में देख लेते हैं, अमरावती कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, और महाचैत्या जो है वो इंस्क्रिप्शन यहाँ का फेमस है, और ये जो है आपको 3rd century BCE अबाउट 250 CE के अराउंड यहाँ पे ये अमरावती स्तूपा मिलेगा, और ब्रिक्स एंड लाइमस्टोन स्लैब से बनाए गए थे, ठीक है। द डोम एंड रेलिंग वही सारी चीज़ें जो उसमें थी ना, सांची वगैरह ग्रेट स्तूपा में, ठीक है, और सारनाथ में भी था, वो तो सिलेंड्रिकल था ना, लेकिन यहाँ पे भी आपको ये गेटवेज, रेलिंग, डोम ये सभी मिलेंगे, ठीक है। रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं, ये भी बुद्धिज़्म से ही बिलोंग करता है, और चैत्यस विहारस के बारे में हम एज अर्लियर पढ़ चुके हैं कि चैत्यस जहाँ पर वो वर्शिप करते थे, विहारा जहाँ पर वो रहते थे। आगे जा के आपको क्लियर होगा कि विहारस की पिक्चर दिखाऊंगी मैं, वो कैसे रहते थे, ठीक है। अबाउट 1200 जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स जो है वो इंडिया में पाई जाती है, अजंता, अलोरा, नासिक, काडले, ये केव्स हैं फेमस वाली। इसके बारे में भी हमने केव्स वाले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस किया है, यू कैन गो बैक एंड रीड इट आउट अगेन। एंड उसके बाद बारबरा केव्स इन बिहार, उसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन ये भी जो है वो 3rd century BCE में बनाया गया था अशोका के टाइम पीरियड पर। ये दोबारा से क्यों आ रहे हैं आप सोच रहे होंगे, पहले हमने ये पढ़ लिया है, उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, ओनली केव्स पढ़ी थी, लेकिन अब जो जो चीज़ें बुद्धिज़्म में आ रही है ना वही सारी रिपीट हो रही हैं, क्योंकि अब हम बुद्धिस्ट का वो पढ़ रहे हैं ना आर्किटेक्चर, इसीलिए चीज़ें थोड़ी सी रिपीट हो रही हैं। अच्छा ये आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। अच्छा चैत्यस जैसे कि प्रेयर हॉल बनाया गया था, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सी श्राइन बुद्धिस्ट की जैसे मूर्ति सी बनाई गई और बनाई जाती थी, और वर्शिप करते थे मॉन्क्स यहाँ आके, ठीक है। स्मॉल स्तूपा भी सिचुएटेड था एक साइड पे, और उसके बाद चैत्यस जो थे वो ये नहीं कि बुद्धिज़्म में ही मिलता था, जैनिज़्म में भी सेम इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। उसके बाद दिस अर्ली चैत्यस आर एपसाइडल इन प्लान एंड एट द सेंटर ऑफ एपेस वॉज अ रॉक स्तूपा और लार्ज फिगर ऑफ बुद्धा सिटिंग और स्टैंडिंग। ये देखिए यहाँ पे बुद्धा यहाँ पे स्टैंडिंग वाले दिखाए गए हैं, चैत्यस एंड अजंता केव की ये अंदर की पिक है, और साइड पे देखिए ये पिलर्स हैं, और ये चैत्यस जैसे कि चैत्यस पता है जहाँ पे वो वर्शिप करते थे मॉन्क्स, है ना, तो ये उसकी पिक्चर है। विहारस के बारे में देखते हैं, विहारस जैसे कि मैंने बताया डिवेलिंग प्लेस था बुद्धिस्ट मॉन्क्स का जहाँ पर वो रहते थे, और ये हमें कहाँ से मिलती है टर्म्स, जो कि लिटरेचर है हिंदू जैन एंड आजीविका का, वहाँ से विहारस के बारे में हमें पता चलता है। और आपको पता होना चाहिए ये रहते, वैसे तो देखिए बुद्धिस्ट मॉन्क ये जो मॉन्क्स होते हैं ये वॉन्डरिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन जब बारिश आती तब तो नहीं ना ये घूम सकते थे, उनको रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो इसीलिए ये विहारा बनाए जाते थे कि रेनी सीजन में वो यहाँ पे आराम से रेस्ट कर सके, ठीक है। और विहारस जो बनाए जाते थे वो ब्रिक्स के ही बनते थे, रॉक से बनाए जाते थे, ठीक है। रोज ऑफ सेल्स एंड पिल्लर्ड बरांडा वगैरह सभी होता था, और जैसे हर हर रूम्स बनाए जाते थे ना, और रूम्स
के अंदर जैसे ना बेड की शेप में स्टोन से ही बनाया जाता था, उसे बेड की तरह यूज़ करते थे। ये सभी जो विहारे जे अजंता, अलोरा, नासिक, कार्ले, कन्हेरी, बाग, बदामी, ये सभी केव्स में भी ये मिलते हैं, ठीक है। 25 ऑफ रॉक कट केव्स ऑफ अजंता इज़ द फाइनेस्ट ऑफ द मोनास्ट्रीज। अजंता केव में आपको स्पेशली बुद्धिस्ट की जो है विहारा चैत्य ये सभी चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए, ये है विहारा केव्स, विहारा अलोरा में, ठीक है। तो विहारा का मतलब क्या है, जहाँ पे वो रहते थे। अब देखिए ये पीछे रूम्स भी दिखाए गए हैं, और ये बरांडा है आगे, और फिर पिलर्स भी हैं, और अंदर इनके बेड की शेप में स्टोन का ही ऐसे तख्ता सा बना दिया जाता था, वहीं पे ये रेस्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद स्तंभस की बात करते हैं, जिन्हें पिलर्स बोला जाता है, ठीक है। और ये मौर्यन एम्पायर्स में ही उभर के आए, मीन्स उस टाइम में इन्हें बनाया गया ज़्यादा। मौर्यन पिलर्स जो थे, रॉकट पिलर्स का ज़्यादा काम था, रॉक से बनाए जाते थे। टॉप पोर्शन जो था पिलर का, उस जो उसमें कार्विंग कैसे की गई थी, जैसे एनिमल्स दिखाए गए थे, बुल, लॉयन, एलिफेंट, ठीक है। और ये यहीं पे मिलते हैं, सारनाथ, सनकीसा, रामपुरा, लोरिया, नंदागढ़, बसारा, बखीरा, ठीक है। इन सभी जगह पर आपको ये पिलर्स मिलेंगे, जहाँ पर एनिमल्स दर्शाए गए हैं, जैसे बुल, लॉयन, एलिफेंट, ठीक है। मौर्यन पिलर जो सारनाथ में है, जिसे लॉयन कैपिटल बोलते हैं, ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है, ठीक है। मौर्यन स्कल्पचर ट्रेडिशन की ये फाइनेस्ट वर्क है, और रोरिंग लॉयंस हैं, ठीक है, जैसे गर्ज रहे हैं, इनके मुंह देखिए आप खुले हुए हैं, और ये और जिनके ऊपर ये खड़ा हुआ है वो है बेस्कस बोलते हैं उसे, और उसके ऊपर जो है हॉर्स, बुल, लॉयन, एलिफेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन चारों जो एनिमल्स हैं उन्हें लर्न कर लीजिए, घोड़ा, बैल, और लॉयन एंड एलिफेंट, हाथी और शेर, इन सभी की जो है चरित्र बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, सॉरी। और कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि टोटल एनिमल्स कितने हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, यही चार याद कर लेते हैं, हॉर्स, बुल, लॉयन, एलिफेंट, और ऊपर जो बड़े वाला शेर बना हुआ है उसे तो भूल ही जाते हैं। तो आपको याद रखना है पाँच है टोटल, ठीक है, ये ऊपर वाले को नहीं भूलना, ठीक है। सॉरी, ये लॉयन इसी में ही है, टोटल फोर ही हैं, ठीक है, फाइव नहीं है, फोर ही है, ठीक है। लॉयन तो ऊपर वाला ही हो गया, सॉरी सॉरी, ठीक है। और उसके बाद द पिल्लर कैपिटल सिम्बलाइजेस धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि फर्स्ट सर्मन बाय बुद्धा, और इसे एक बार देख लीजिए, अबेस्कस ये जिसके ऊपर लॉयन खड़े हुए हैं, और नीचे जो है अबेस्कस के नीचे क्या है, इन्वर्टेड लोटस, और इसे बेस बोला गया है, लॉयन कैपिटल सारनाथ का है, ठीक है। ब्रिक्स स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, गुप्ता पीरियड में इसे ज़्यादा बनाया गया, न्यू एक चैप्टर निकल के आया ब्रिक स्ट्रक्चर्स का, क्योंकि पहले रॉक से बनाते थे, अब ये ब्रिक्स का यूज़ भी करने लग गए हैं। महाबोधि टेंपल जो है बोध गया में, ठीक है, वो बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पे बोधि ट्री है, वहाँ पे एनलाइटनमेंट मिला था गौतम बुद्ध को, वहाँ पे इसीलिए टेंपल बहुत मतलब कि मान्यता वाला सेक्रेट प्लेस है वो। महाबोधि टेंपल जो है वो भी सराउंड किया गया है स्टोन रेलिंग से एंड चारों तरफ से, ठीक है। और टेंपल जो है वो अनयूजुअल टाइप का है, ना कि ना द्रविड़ के टाइप का है, ना नगाड़ा, मीन्स साउथ साउथ में जो टेंपल है वैसा भी नहीं बना हुआ, और जो नॉर्थ के टेंपल्स है वैसा भी नहीं बना हुआ। अब देखिए इसकी पिक्चर, आपको पता चलेगा, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल है ये टेंपल, महाबोधि टेंपल बोध गया में, ठीक है। यहाँ पे एनलाइटनमेंट हुआ था ना गौतम बुद्ध को, तो यहाँ पे टेंपल बना दिया इन्होंने, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि महावीरा, द मोनेस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा इज़ अ महावीरा एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल मोनेस्ट्रीज ऑफ द वेरियस साइजेस, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, ठीक है। और दो ही यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम पे फेमस थे, आपको पता होगा, तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, और नालंदा जो कि यहाँ पे है इंडिया में, ठीक है। और ये हमें रिकॉर्ड कहाँ से मिलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी हाँ उस टाइम पे, ये है युआन जैंग की जो रिकॉर्ड्स मिले हैं ना, जो चाइनीज़ ट्रैवलर था, उसकी जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे हमें ये पता चलता है। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई किसने थी, कुमार गुप्त वन ने 5th सेंचुरी CE में। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये है
आपको नालंदा यूनिवर्सिटी। और आज भी ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे इसकी और एक्सकवेशंस कर रहे हैं तो इसमें आज भी पता चल रहा है कि लर्निंग कुछ ना कुछ और भी हमें सीखने को आज भी मिल रहा है इसमें से कुछ ना कुछ, ठीक है। और इससे अब तो दोबारा मतलब रिकन्स्ट्रक्ट या फिर अच्छे से प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री को जानने के लिए उसी उसकी हिस्ट्री को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिलेटेड टर्म्स ये वो चार डेफिनेशंस हैं जो हमने स्तूपास के बारे में पढ़ी थी। हर्मी का आपको बताया था कि डोम के ऊपर एक स्क्वायर बना होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, छत्र होता है, ठीक है। हर्मी का आपको भूलना नहीं चाहिए जो डोम के ऊपर स्क्वायर की फॉर्म में बना होता है। वेदिका मैंने बताया था जो पूरे डोम को बाहर से जो है सराउंड करती है, ठीक है, फैंस की तरह काम करता है। टोराना मैंने बताया था गेटवेज जो कि चार थे, ठीक है। याश्का याश्कनिस डेमी गॉड गॉड्स एंड गोडेसेस, ठीक है। तो ये तो था बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर द्रविड़ा स्टाइल नगारा स्टाइल विसारा स्टाइल, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।